की बड़ी खबर के साथ करेंगे। कल दिल्ली में किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा पर अब से कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई अहम खुलासे किए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने उन्हें 26 जनवरी को परेड करने के लिए मना किया था पर वो नहीं माने। और हमने उन्हें 3 रूट्स दिए थे जिसमें पहला रूट सिंगू बॉर्डर वाले किसानों को मुकरबा चौक बवाना से वापस कुंडली जाना था। ये रास्ता 63 किलोमीटर का था। टिकरी के किसानों को नजफगढ़ ढांसा बॉर्डर से केएमपी से वापस होना था। ये 74 किलोमीटर का रास्ता था। और गाजीपुर के किसानों के लिए अप्सरा बॉर्डर से होकर 46 किलोमीटर चलकर वापस गाजीपुर बॉर्डर पर लौटना था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि 26 जनवरी को सुबह 6 बजे से ही बैरिकेड तोड़ने की शुरुआत हो गई थी। पन्नू ने काफी भड़काऊ भाषण दिया, किसान बैरिकेड तोड़ने लगे। किसान नेता बूटा सिंह बुर्ज भी धरने पर बैठ गए और आगे जाने से मना किया। एक कंटेनर पलट गया, फिर वहां से पंजाबी बाग पीरागढ़ी होते हुए लाल किले तक पहुंच गए। गाजीपुर वाले किसान राकेश टिकैत के साथ वाले किसान भी ऐसे ही फसाद में शामिल हुए। तमाम किसानों ने बैरिकेड तोड़े और लाल किले तक पहुंचे, हम फिर भी संयम बरतते रहे। पुलिस ने साफ कर दिया कि फसाद करने, नियम और समझौतों को तोड़ने के लिए किसान नेता ही जिम्मेदार हैं। लाल किले पर फहराए झंडे की घटना को पुलिस ने गंभीरता से लिया। चेहरे से पहचान की जा रही है, उनकी जल्द ही कानूनी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और ये हमारी और उनके बीच में अग्रीमेंट थी। हम जिम्मेवार रहे हैं और हम अपने बड़े जिम्मेवारी के साथ जो अग्रीमेंट के हिसाब से हम पीसफुल रैली करवाना चाहते थे, ये जो वायलेंस हुई है वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करने की वजह से सब हुई है। इन सब जो वायलेंस हैं हुई है, इनमें सभी किसान लीडर्स भी शामिल रहे हैं। इसमें प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है, पुलिस की 428 बैरिकेड, 8 टायर किलर्स, 2 DFMD, 4 एक्सरे मशीन, 4 स्टील गेट, विंडो ग्लासेस, ग्रिल्स वगैरह, 30 पुलिस की गाड़ियां जिसमें 2 PCR वैन भी हैं और 1 पुलिस जिप्सी भी है, 6 कंटेनर्स जिसमें जिसको इस्तेमाल किया गया था रास्ता रोकने के लिए और डंपर्स, ये सब सारे डैमेज हुए हैं। 5 राउंड की जो बैठक हुई, मीटिंग्स हुई, उसमें हमने अंत में उनको 3 रूट्स उनके साथ तय किया जो म्यूचुअली अग्रीड अपॉन रही। पहला जो सिंगू में जो फार्मर्स बैठे हैं उनके लिए आप तस्वीर में देख रहे होंगे, सिंगू से चलकर के मुकरबा चौक से पहले जो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ राइट टर्न रास्ता जाता है, उससे बवाना और गंझावला होते हुए वापस औचिंडी बॉर्डर से बाहर निकल करके KMP से होते हुए वापस कुंडली और सिंगू, ये तय हुआ। और ये कुल जो डिस्टेंस है ये 63 किलोमीटर का है। साथ में ये भी तय हुआ कि जो टीकरी में बैठे हुए हैं वे टीकरी से नांगलोई टी पॉइंट आए और नांगलोई टी पॉइंट से नजफगढ़ के रास्ता होते हुए ढांसा बॉर्डर से होते हुए वे फिर KMP पे जाकर के वापस टीकरी बॉर्डर पे आ जाए। ये कुल डिस्टेंस 74 किलोमीटर है। इसके बाद जो तीसरा रूट जो गाजीपुर में जो किसान बैठे हैं उनके लिए यह तय हुआ था कि वो गाजीपुर से अंदर आकर के रोड नंबर 56 से होते हुए अप्सरा बॉर्डर से बाहर चले जाएं और KMP पे जाकर के और वापस गाजीपुर पहुंच सकते हैं। ये कुल 46 किलोमीटर है। उनके नेता सतनाम सिंह पन्नू, उन्होंने काफी भड़काऊ भाषण दिया जिसके बाद वहां जो उनके साथ फार्मर्स थे उन्होंने बैरिकेड तोड़ने पे आमादा हो गए। उनके एक और किसान नेता जो दर्शन पाल सिंह वो भी वहां पे बैठ गए और दाहिने मुड़ने से मना कर दिया। अब तक दिल्ली पुलिस
25 से ज्यादा क्रिमिनल केस रजिस्टर किया है और जैसा कि मैंने बताया है कि सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के से हम फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से पहचान की जा रही है। एक चीज सबको बतलाना चाहता हूं कि कोई भी कल्प्रिट जिसकी पहचान होती है और जिसकी शमूलियत पाई जाती है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। नो वन विल बी स्पेयर्ड। जो भी फार्मर्स लीडर्स हैं और उनकी शमूलियत पाई जाती है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्र के सम्मान और सुरक्षा में दिल्ली पुलिस किसान संगठनों से पूछताछ करेगी और जो भी कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी वो करेगी। इसके बाद जब रिटर्न परमिशन देने के बाद एक अंडरटेकिंग भी ली गई जिसमें उन्होंने ये सारे शर्तें वो को मंजूर किया और ये तय हुआ कि किसान रैली 26 तारीख को 12 बजे से शुरू होगी। लेकिन 1:30 की शाम को ये समझ में आई कि वे अपने वादे से मुकर रहे हैं। जो अग्रेसिव और मिलिटेंट एलिमेंट्स थे उनके उनमें से उनको उन्होंने आगे कर दिया। इन्होंने स्टेज को कब्जा कर लिया और बहुत ही प्रोवोकेटिव स्पीचेस उन्होंने दिया। इससे उनका मंशा शुरू से ही समझ में आ गया कि उनकी मंशा क्या है। फिर भी दिल्ली पुलिस संयम से काम की। अगले दिन सुबह 6:30 बजे से ही वे बैरिकेड तोड़ने को तैयार हो गए। 7:30 पे जो सिंगू पे किसान थे वे उन्होंने मार्च करना शुरू किया और वे मुकरबा चौक पे जो हमारी बैरिकेड है वहां तक पहुंचे। जो अग्रीमेंट के हिसाब से उन्हें दाहिने मुड़ना चाहिए था वो दाहिने ना मुड़ करके और वहीं पे बैठ गए। सभी जो रास्तों से जो किसान लाल किले तक पहुंचे वे रेड फोर्ट के जो रैम्पर्ट्स है वहां पहुंचकर वहां पे कई किसान संगठनों के झंडा फहराए और कुछ रिलीजियस झंडे भी फैलाए जिसको पुलिस ने कब्जे में ली है और अभी हमारा ये केस प्रॉपर्टी है। मैं बताना चाहता हूं कि हम दिल्ली में गैर कानूनी तरीके से किए गए आंदोलन और उस दौरान हिंसा और पुरातत्व विभाग की संपत्ति एक स्मारक लाल किले पर फहराया गया झंडा को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। हिंसा करने वालों की वीडियो फुटेजेस हमारे पास है और उसकी विश्लेषण हो रही है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से जो भी उसमें भाग लेने वाले उनको उनकी पहचान की जा रही है और उनकी अरेस्ट की जाएगी, आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दिल्ली पुलिस की पीसी साफ कर दी है कि जो भी इसमें शामिल थे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।